बोले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? ठीक ठाक दोस्तों, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त वकास अली शाह, आपका खिदमत गुजार, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, बाजरे की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि अच्छा बाजरा पेशावर में कहाँ से मिलता है, तो अपने दोस्तों की खातिर आज हमने भी अपने कबूतरों के लिए बाजरा लेना था और अपने दोस्तों को बाजरा दिखाने के लिए बाजरा मार्केट में हम आ गए। दोस्तों, ये जगह है गुड़ मंडी के नाम से मशहूर है, इसको गुड़ मंडी कहते हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ़ सीड्स वग़ैरह की शॉप्स हैं। और अभी इस वक्त हम मौजूद हैं सदाकत भाई की बाजरे शॉप पर। तो ये हमारे सदाकत भाई हैं, माशाल्लाह काफ़ी टाइम से बाजरे और सीड्स वग़ैरह का काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सदाकत भाई? क्या हाल है? खैर खैरियत, ठीक ठाक है, अल्लाह का करम। कहाँ कहाँ से बाजरा आता है सदाकत भाई आपके लिए? बाजरा तो मुख्तलिफ जगह से आता है, बकर से, ज़िला बकर से आता है, ज़िला गुजरखान से, गुजरात से आता है और इधर सरगोधा वगैरह इधर से भी बाजरे आते हैं। ठीक है। हाँ, आजकल बाजरे का क्या रेट चल रहा है? आजकल बाजरे का रेट तकरीबन 26 से लेकर 2700 तक, अच्छा, 50 किलो तेल चलता है आज। तो ये बाजरा इतना महंगा क्यों हो गया? पहले तो इतना महंगा नहीं था। एक तो ये बाजरे की फसल कम हुई है। अच्छा, कम हुई है। और दूसरे बड़ी वजह ये है कि लोगों ने इंतहाई ज़्यादा स्टॉक किया हुआ है। अच्छा, बड़े बड़े लोगों ने स्टॉक किया हुआ है और तो उसी वजह से आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। महंगाई, इसका असल रेट 1800-1700 रुपये होना चाहिए, 1000 रुपये गट्टू स्टॉकियों की वजह से महंगा हुआ है। सही है। चलें दोस्तों, इनकी शॉप में अंदर चलते हैं और मुख्तलिफ किस्म का बाजरा आपको दिखाते हैं। दोस्तों, ये बाजरा पड़ा हुआ है, परचून के हिसाब से ये बेचते हैं, 60-70 रुपये किलो, किलो का हिसाब है या धड़ी का हिसाब है, जो धड़ी दो धड़ी लेता है। तो वो ये खुला मिक्स बाजरा जो इधर उधर से होता है उसमें ये देखे जी, अभी ये शापर भर रहा है धड़ी के हिसाब से। तो ये तो आम सा बाजरा है ना, तो चले जो बोरी वग़ैरह के हिसाब से हम लेते हैं वो आपको दिखाते हैं। दोस्तों, इनके अभी हम सदाकत भाई के गोदाम में मौजूद हैं और ये बाजरा चेक करते हैं कि कैसे कैसा बाजरा है ये। ये देखें दोस्तों, मैंने कुछ बाजरा निकाला है बोरी से, ये ज़रा मोटा फार्मी बाजरा लग रहा है या प्लांटी इसको कहते हैं। दासिंगा बोरी थी 2600 रुपये। अच्छा, ये बोरी 2600 रुपये की है। बाजरे को हमारा देसी तरीका है चेक करने का दोस्तों, ऐसे मुंह में डाल के और दांत के नीचे चबाते हैं, अगर वो सख्त हो तो बाजरा अच्छा है और अगर नरम हो तो बाजरा अच्छा नहीं है। नरम बाजरा खाने से कबूतर सूझ जाते हैं, इसका इलाज फिर इंशाल्लाह हम बताएंगे आपको अगली वीडियो में। तो और बाजरे चेक करते हैं, दोस्तों ये भी वही माल है तकरीबन, ये ज़रा सा मुझे नरम लगा है बाजरा। देखें ये तकरीबन काफ़ी तादाद में ये बोरियां पड़ी हैं। तो चलें, ये देसी बाजरा कुछ पड़ा हुआ है, ये तो था प्लांटी बाजरा, अभी ये बाजरा कुछ इनका देसी पड़ा है, ये आपको चेक करवाते हैं। देखें दोस्तों, ये है देसी बाजरा, सब्ज़ रंग का है, ज़रा तेज़ रंग है इसका, ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। बस चेक करने का ये तरीका है, मुंह में डालेंगे, चेक करने का दोस्तों यही तरीका है कि बाजरे को मुंह में डालेंगे और दांत के नीचे, अगर वो टक करे सख्त हो तो बस बाजरा ठीक है। वैसे तजुर्बेकार होते हैं हमारे दोस्त जो कि हर महीने या अपने हिसाब से बाजरा वग़ैरह लेते हैं। तो दोस्तों, मुख्तलिफ किस्म के सीड्स और बाजरा यहाँ पर मिलता है, मिक्स दाना कबूतरों को डालते हैं आजकल के सीज़न में, जिसमें ये चीज़ ये है दोस्तों, भंग दाना इसको कहते हैं, भंग दाना, ये खुरतम, खुरतम ज्वार, इसके अलावा ये मिक्स दाना इन्होंने कुछ बनाया होता है। ठीक है दोस्तों, चने वगैरह और ये सूरजमुखी के बीज, ये कुछ मिक्स दाने करके और कबूतरों को, बच्चों वाले कबूतरों को डाले जाते हैं। बीच में ये गंदम भी शामिल होती है जो कि हमारे भी खाने के काम आती है और कबूतरों के भी खाने के काम आती है।
ज्वार भी है, छोटा चना है, ये कबूतरों के बच्चों के काम आता है दोस्तों। इससे कबूतरों के बच्चे जो हैं तो काफ़ी जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो मिक्स दाने में दोस्तों यही चीज़ें आती हैं, खुरतम, बंगदाना, चने, ज्वार और इस तरह की मुख्तलिफ दो तीन और चीज़ें हैं। सरसों जो है तो वो सीज़न में, सर्दियों के सीज़न में नहीं डालते। चले दोस्तों आगे चलते हैं दूसरी शॉप की तरफ। दोस्तों अभी हम यूसुफ़ की शॉप पे मौजूद है, ये गुड़मंडी के बिल्कुल साथ है और ये उसका छोटा भाई तवाब, ये दुकान इसने संभाली हुई है। दोस्तों इनके पास भी काफ़ी अच्छे सीड्स वगैरह मिलते हैं जो कि कबूतरों की खुराक के काम आते हैं। चले दोस्तों इधर भी बाजरे की अच्छी क्वालिटी मौजूद होती है, हम आपको बाजरा दिखाते हैं। दोस्तों ये यूसुफ़ भाई हमारे यहाँ पर मौजूद हैं और इनके पास काफ़ी स्टॉक बाजरे का पड़ा हुआ है। कुछ स्टॉक इन्होंने अच्छा जो बाजरा है वो बाहर निकाल के रखा हुआ है अपने दोस्तों के लिए और जानने वालों के लिए, कबूतरबाजों के लिए। तो चले दोस्तों आपको बाजरा दिखाते हैं। कमजे वाला बाजरा, कमर मशान है और करक वाला। दोस्तों ये कह रहे हैं कि ये करक वाला बाजरा है, सब्ज़ बाजरा है, सब्ज़ बाजरा है, सब्ज़ किस्म का। और सिंगा बोरे दे दा, छब्बीस सौ रुपये की बोरी ये बता रहे हैं। चेक करने का हमारा वही तरीका है। तो दोस्तों ये बाजरा भी अच्छा है, सख्त लग रहा है। एक दो बोरियां इनके पास और देखते हैं हम। तो दोस्तों ये भी देखें जी, मोटा बाजरा है ये, इस बाजरे से अलग मुख्तलिफ़ किस्म का बाजरा है। देखें जी ये मोटा बाजरा है। तो दोस्तों बाजरे की मुख्तलिफ अकसाम हमने आपको बता दी हैं। ये हमारे यूसुफ़ भाई हैं दोस्तों, इनका होलसेल का काम है, काफ़ी अच्छा बाजरा यहाँ पर लाते हैं और मुख्तलिफ इनके पास सीड्स वग़ैरह, जो गंदम और पहले जो हमने आपको सीड्स वग़ैरह बताए वो भी इनके पास मौजूद होते हैं। चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं और चलते हैं एक और शॉप की तरफ। दोस्तों अभी हम एक और शॉप पर मौजूद हैं, यहाँ पर भी काफ़ी मुख्तलिफ किस्म के सीड्स मिलते हैं और ये बाजरा इन्होंने सड़क पर डाला हुआ है। चेक करते हैं कि ये बाजरा कैसा है। तो दोस्तों ये तो परचून के हिसाब से बाजरा है जो कि मिक्स थोड़ा बहुत कोई तोतों के लिए लेता है, कोई मुर्गियों के लिए, कोई कबूतरों के लिए। देख सकते हैं हमारे दोस्त के ये बाजरा इतना ख़ास नहीं होता, जो कि सड़क पर पड़ा होता है वो बाजरा इतना ख़ास नहीं होता। बोरी हमेशा चेक करके लेनी चाहिए। तो चले आए शॉप के अंदर जाते हैं और एक और कुछ बोरियां चेक करते हैं। दोस्तों बस 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 देर। दोस्तों ये एक बाजरा हमने निकाला है, दा कम देना रहा गले दे बाजरा, कमर मशानी का। कमर मशानी, अच्छा दोस्तों ये कमर मशानी पाकिस्तानी का, पाकिस्तान का एरिया है जो कि बाजरे के हिसाब से मशहूर है और काफ़ी अच्छा बाजरा यहाँ का होता है। सख्त भी है और मीठा बाजरा है। दा बोरे सिंह दा बाजरा 2700 के बताओ ता सफा मिला भी के खा गंदा रुनी ने 2600 रुपए बाजरा ग्रान शेवे दा, बाजरा ग्रान शेवे दे दा वाले ग्रान शो यार बाजरा। दोस्तों कह रहे हैं कि पंजाब की वजह से बाजरा महंगा हो गया है, तो एक दो बोरियां लग नौ रुआ सा। खा जी खा, मेहरबानी, बस बस लग लग हुआ सा लग लग। ये देखे दोस्तों एक बोरी से और भी, ये एक ही किस्म का माल है और शाम हो गई, काफ़ी अंधेरा हो गया इसलिए हमें समझ नहीं आ रही। ये देखे दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा बाजरा है, सख्त और मीठा बाजरा है। दोस्तों मुख्तलिफ किस्म का बाजरा हमने आपको मुख्तलिफ शॉप्स पर बताया, किसी ने बखर का बोला है, किसी ने कमर मशंग, किसी ने करक साइड का बाजरा बताया है। तो बाजरा चेक करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है अपने दोस्तों के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए। दोस्तों 100-200 बाजरे की तरफ ना देखें, अपनी मेहनत ज़ाया ना करें। कबूतर अच्छे जो रखे हुए हैं आपने, वो बाजरे की वजह से ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि पिछले महीने हम भी
यहाँ से दो बोरियाँ ले गए थे, लेकिन वो फिर हमें वापस लानी पड़ी। उससे कबूतर काफ़ी कमज़ोर हो गए थे और ख़राब हो गए थे। तो बाजरा एक ऐसी चीज़ है कि जिस पर पूरी मतलब कबूतरबाजी डिपेंड करती है, कबूतरबाजी बाजरे पे डिपेंड करती है दोस्तों। तो इस हवाले से बाजरे के लिए ज़रा सी मेहनत करें, बाजरा ढूंढ के अच्छा और मीठा और सख्त वाला बाजरा लें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ पहली वीडियोस की तरह आपको ये वीडियो भी हमारी काफ़ी पसंद आएगी और बाजरे के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है आपके काम आएगी। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। और जो दोस्त हमसे रابطہ करते हैं कबूतरों के लिए या किसी बीमारी वगैरह का पूछने के लिए, तो हमें बहुत खुशी होती है, उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। चले दोस्तों वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। दिस इज़ वकास अली शाह साइनिंग ऑफ। गुड लक।